खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करना बेहद अच्छा लगता है। जी करता है आपको सिर्फ मुगलाई डिशेस बनाना ही नहीं सिखाऊं, बल्कि अपने पास बिठा के सर्व भी करूं। खैर, ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर आपको मुगलाई दस्तरखान के डिशेस से ज़रूर रूबरू कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला हलीम खासा के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हलीम खासा बनाना। इसके लिए हम ये घी गरम कर रहे हैं, ये गरम होने देते हैं। इसमें हम डालेंगे प्याज, और इसको करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन। हलीम जो कि रमज़ान के दिनों में बहुत पॉपुलर है, और ये देखिए इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि दलिया, दाल, चावल, ये आपको रमज़ान के दिनों में तवानाई बख्शता है, रोज़ा रखने में मदद भी देता है। हमारा प्याज अब हो गया है, हम इसे अब निकाल लेंगे। आधा प्याज हम इसको गार्निशिंग के लिए रखते हैं, थोड़ा प्याज हम इसमें छोड़ देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 या 4 लौंग, 2 तेज पत्ता, ये बड़ी इलायची, छोटे छोटे 2 टुकड़े दालचीनी के। एक बार चला लें इसे, ताकि गरम मसाला भी थोड़ा सिक जाए उसमें। अब हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोस्तों, अगर आपका काफ़ी सूखा अदरक लहसुन का पेस्ट हो तो आप उसमें 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, और इसे भूनिए। ये भुन जाएगा तो एक अच्छी अपनी महक आएगी इसमें। ये दोस्तों हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 2 से 2.5 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, 1/2 कप पानी, और उसको पकाएंगे। मैं अब इसमें ये गोश्त डाल रही हूँ। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं हमारा गोश्त थोड़ा सा पक गया है। ये पकने से मेरी मुराद है इसने मसाला अब्सॉर्ब कर लिया है। आप जब भी गोश्त पकाएं, ये ज़रूर ध्यान रखें कि गोश्त को बहुत अच्छी तरह भूने मसाले में। जब तक कि वो मसाला नहीं पकड़ेगा, गोश्त अपना टेस्ट नहीं देता। तो अब मैं डालूंगी दही, क्योंकि ये काफ़ी थिक है इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से चलाएं। हम 2-4 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं हमारा दही अब काफ़ी भुन गया है। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी नमक हसबे जायका, और अब मैं डाल रही हूँ दलिया। आप ये ना सोचिए कि ये पानी फेंकना है, ये पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम गोश्त इसी में पकाएंगे। आप जब भी कभी दाल, चावल या दलिया भिगोती हैं तो उसका पानी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सारे मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसी में आ जाते हैं। मैं डाल रही हूँ दाल, और इसको अब हम पकाएंगे।
दलिया थोड़ा भुन गया है, इसमें मैं डालूंगी पानी और अब इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। दोस्तों ये इतना पकना चाहिए कि गोश्त बिल्कुल गल जाए, गल भी जाए और मलीदा जैसा भी हो जाए। कितनी देर में हमारा ये गोश्त पक रहा है, हम इसका सेकंड स्टेप लेते हैं। तो मैं उबालूंगी चावल कुछ दूध में, उसके लिए चाहिए होगा हमें एक छोटा सा पैन। इस पैन में दूध डालें, दूध उबल गया है यहाँ इस पैन में और अब इसमें डालेंगे चावल। आप देख रहे होंगे हलीम में दाल, चावल, गेहूं और गोश्त, ये कंप्लीट मील है। दोस्तों देख रहे हैं हम, हमारा हलीम पक रहा है, इसमें थोड़ी सी पानी की और ज़रूरत है, तो मैं ये जो सोख करा पानी है अब इसमें ये डाल दे रही हूँ। दोस्तों अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये चावल हमारे पक गए हैं, मैं इसे ठंडा करके मिक्सी में पीसूंगी। तो इसको मैं अलग रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। दोस्तों इसको आप बराबर चलाते रहें और ये ध्यान रखें कि ये जलने ना पाए। आप देख रहे होंगे ये काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, ये जो आटे का ग्लूटेन होता है उसी से ये लचीलापन और गाढ़ापन आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके टिश्यूज़ और मसल्स की डेवलपमेंट के लिए। और हम अब पीसते हैं राइस जो हमने कुक करा है, ये ठंडा हो गया है। पेस्ट हो गया है, अब मैं इसमें ये मिलाती हूँ। आप देख रहे होंगे इसमें दाल, चावल, आटा, एक पूरा कॉम्बिनेशन आ गया। मैं इसमें थोड़ा पानी डालती हूँ। एक पैन में हल्का सा घी डाल के खसखस और बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था मैं वो भूनूंगी। इसको आप बहुत हल्की आंच पे भूनिए, बादाम बहुत जल्दी जल जाता है। यहाँ इसको बराबर चलाते रहें, हल्का सा पिंक कलर देंगे हम इसे। गैस में बंद कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ये काफी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसकी गार्निशिंग तैयार करते हैं, थोड़ा सा घी गरम करेंगे। मैं इसमें डालूंगी बादाम, हल्का सा पैन को टॉस करिए। अब इसमें डालिए थोड़ी सी चिरौंजी। चिरौंजी दोस्तों बहुत जल्दी जल जाती है, तो ज़रा सा गैस से ऊपर ही रखें तो बेहतर है। अब ये तैयार हो गया हमारा और अब हम डाल देंगे इसको एक गार्निशिंग की तरह। इसमें डालेंगे हम केसर जो कि दूध में घोल के रखा हुआ है। मैं ये गैस बंद करे ले रही हूँ,
इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज। बाकी प्याज मैं डिश के ऊपर सजा दूंगी। 2 चम्मच नींबू का रस, 1 दफा मिलाती हूँ। तो ये तैयार हो गया हमारा हलीम खासा। मैं इसको सर्व करती हूँ डिश में। इसकी हल्की सी गार्निशिंग करते हैं। पहले डालेंगे वो तला हुआ प्याज जो हमने अलग रख दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया, आप पुदीना भी डाल सकते हैं इसमें। अगर किसी को कच्चा अदरक पसंद हो तो वो भी डालें। डेकोरेशन आप जैसी चाहें करें, मगर कुछ बातों का एहतियात ये रखें कि जो खाना इसके साथ कॉम्बिनेशन में हो। तो ये तैयार हो गया हमारा हलीम खासा। मुझे मालूम है हमारे दोस्त चाहेंगे कि इसकी रेसिपी को हम एक बार फिर से दोहरा दें, तो एक बार सुनिए और चाहें तो आप इसे लिख भी सकते हैं। लेते हैं हम एक छोटा सा रीकैप। हलीम खासा बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बकरे का गोश्त कटा हुआ दरमियानी, 200 ग्राम दलिया पानी में भीगा हुआ पूरी रात, 50 ग्राम चना दाल धुला हुआ, 330 ग्राम घी, 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 4 अदद लौंग, 3 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद तेजपत्ता, 4 अदद दालचीनी, 2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक हसबे जायका, 1 कप दही फेटा हुआ, 1/4 कप चिरौंजी, 1/4 कप पानी में उबला हुआ छिलका उतरा हुआ बादाम, 2 छोटा चम्मच खसखस और बादाम का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच बासमती चावल, 1 कप दूध, 1 छोटा चम्मच जाफरान गरम दूध में मिला हुआ, 2 छोटा चम्मच नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। सजाने के लिए पुदीना कटी हुई, अदरक कटा हुआ और साबुत काली मिर्च। सबसे पहले घी में प्याज को भून लें। इसमें से आधा प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लें। इसमें लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी डालें और 1 मिनट तक चलाएं। फिर डालें लहसुन और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकाएं। इसमें मिलाएं गोश्त, नमक हसबे जायका, दही, दलिया, चना दाल और पकाने के लिए छोड़ दें। जब तक गोश्त पक रहा है, एक अलग पैन में दूध उबालें और इसमें चावल डालकर इसे अच्छी तरह पका लें। चावल पकने पर इसे ठंडा करके मिक्सी में पीस लें और इस पेस्ट को पक रहे गोश्त में मिला दें। पैन में घी गरम करें, खसखस और बादाम पेस्ट को भूनें, इसे भी गोश्त में मिलाएं और 2 मिनट तक पकाएं। इसी पैन में फिर घी गरम करें, उबला हुआ बादाम और चिरौंजी डालकर इसे हल्का सा भून लें और इसे भी गोश्त में मिलाएं। इसमें जाफरान, गरम मसाला, धनिया, प्याज और नींबू का रस मिलाकर इसे चलाएं। तली हुई प्याज, हरा धनिया और अदरक से सजाएं। लीजिए तैयार है हलीम खासा। दोस्तों, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का असर हर शोबे में देखा जा सकता है। अब फूड ट्रेंड्स को ही लीजिए। मोमोज, जो कि तिब्बत का एक स्टेपल फूड है, आज हर गली कूचे में मिल जाता है। साउथ इंडिया का आया हुआ डोसा आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ हर जगह मिलेगा। और मज़े की बात यह है, यही डोसा जो आपको मद्रास में ब्रेकफास्ट में मिलेगा और वही डोसा आपको बाकी जगह मेन कोर्स में मिल जाता है। तो चलिए डालते हैं नज़र आज के बदलते हुए फूड ट्रेंड्स पर। आजकल ट्रेंड है सेहतमंद खानों का, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं 5 आसान तरीके अपने खानों को हार्ट हेल्दी बनाने का। चुनिए होल ग्रेन्स को प्रोसेस्ड ग्रेन्स के बजाय, जैसे कि ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड की जगह पर या फिर ब्राउन राइस व्हाइट राइस की जगह पर। खाना पकाने के लिए ऐसे तेल का इस्तेमाल कीजिए जो आपके दिल को तंदुरुस्त रखे, जैसे कि ऑलिव ऑयल, इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं। सब्जियों में हरी सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें। हाई कैलोरी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आलू को कम लें।
कम चर्बी या बिना चर्बी वाली डेयरी प्रोडक्ट्स को चुनें, ज्यादा चर्बी वाली डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय, मसलन स्किम्ड मिल्क जिसमें कम चर्बी होती है। बिना चर्बी वाली चीज भी बाजार में मिल जाएगा। ज्यादा तेल में तलना यानी कि डीप फ्राइंग को अपनी कुकिंग से हटाएं। थोड़ा सा आटा और थोड़े से तेल से भी आपको एक क्रिस्पी और डिलीशियस कोटिंग मिल सकती है। अब वक्त हो चला है आपके सवाल का। देखते हैं आज का पहला खत। हरीश ने ईमेल किया है, सिलीगुड़ी से। वो पूछते हैं, कटहल काटते वक्त हाथ चिपकने लगते हैं, कुछ उपाय बताइए। हरीश भाई, आप कटहल काटने से पहले अपने हाथों पे ऊपर हल्का सा सरसों का तेल लगाएं, और अगर आप चाहें तो डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन के भी कटहल काट सकते हैं। इस तरह आपके हाथ भी नहीं चिपकेंगे और कटहल भी बहुत बारीकी से कट जाएगा। दूसरा सवाल नाहिद हल्द्वानी से पूछते हैं, मशरूम से मिट्टी निकालने का क्या सही तरीका है? नाहिद, सबसे पहले तो मशरूम खरीदते वक्त आप ये ध्यान रखें कि मशरूम बासी ना हो, और अगर बासी भी हो तो आप उनको कुछ वक्त थोड़ी गर्म पानी में थोड़ी देर हटा के रख दीजिएगा। उसके बाद आप कोई आधा कप आटा लीजिए और उन मशरूम को उसके ऊपर लपेट दीजिएगा। 15-20 मिनट बाद रनिंग वाटर के नीचे साफ कीजिएगा, मिट्टी अपने आप निकल जाएगी। सरिता कानपुर से पूछती हैं, अंडा उबालते वक्त अक्सर फट जाता है, कोई ऐसा हल बताइए कि अंडा बिना फटे सही से उबल जाए। सरिता, आप अंडे को उबालने से पहले आप देखें कि अंडा बहुत भारी तो नहीं है, और एक कटोरी पानी में डाल के देखें, अगर अंडा सेटल हो जाता है इसका मतलब है आपका अंडा बासी है, उस अंडे को बिल्कुल ना उबालें। अगर ताज़ा अंडा आप पहचान लेते हैं, उबलते पानी में आधा चम्मच नमक डालिए और अंडे डालिए, आपके अंडे बिल्कुल सही उबलेंगे। दोस्तों, शाम के वक्त जब हमें हल्की फुल्की भूख लगती है और जी करता है कुछ खाने का, अमूमन हम समोसे मंगा लेते हैं या पकौड़े बना लेते हैं। बच्चे कई बार मैगी की भी जिद करते हैं, मगर क्यों ना कुछ ऐसा सीखें जो खाने में भी हल्का हो, स्वाद हो और चटपटा हो। तो आइए, इसी सब बातों को ध्यान रखते हुए आज हम आपके लिए बनाते हैं चावल का चीला। इसके लिए हम 2 कप चावल का पाउडर लेंगे और उसको पानी में घोल के आधा घंटा छोड़ देंगे ताकि ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का बन जाए। इसमें हम मिलाएंगे नमक हसबे जायका, थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आपके बच्चे मिर्च से परहेज रखते हो तो आप उसी हिसाब से डालिए, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे आप अच्छी तरह मिलाएं और इसे पैनकेक की कंसिस्टेंसी में ले आएं। तवे को गैस पे रखिए। तो दोस्तों, ये तवा हमारा गर्म हो गया, इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा घी, घी फैलाइए, एक बार जल्दी से फिर मिला दीजिए इसे। ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया बुरकिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, अगर आपके बच्चे मिर्च से परहेज रखते हो तो जरा कम ही डालिए, हल्का सा घी इसके ऊपर भी डालिए। फिक्र मत करें दोस्तों, कुल घी इसमें 1 चम्मच लगा होगा। आप चाहें तो इसे तेल में बना लें, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। हल्का सा पलट के सेक लीजिए ताकि उस पर भी एक इवन कलर आ जाए। मैं इसके लिए एक प्लेट निकालती हूँ, आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं
मैंने कुछ गाजर और मूली का लच्छा भी लगाया है। तो ये हुआ हमारा चावल का चीला तैयार। आप चाहें तो इसे हरी चटनी, पुदीने की चटनी, गाजर या मूली का लच्छा, जैसे मर्जी आप चाहें परोस सकते हैं इसे। मुझे मालूम है हमारी कुछ बहनें चाहेंगी इसके बनाने का तरीका हम दोहरा दें, तो आइए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप और देखते हैं। चावल का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पिसा हुआ चावल, 1 छोटा चम्मच लहसुन कुटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 4 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच हरा धनिया, नमक हसबे जायका और घी तलने के लिए। सबसे पहले पिसे हुए चावल को 1/2 घंटा पानी में घोलकर रख दें। इसमें डालें नमक हसबे जायका, लाल मिर्च, अजवाइन, लहसुन और अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह मिलाएं। तवा पे घी गरम करें और इस मिक्सचर को तवे पर डालें और इसे रोटी की शक्ल दें। इसमें धनिया और हरी मिर्च छिड़कें और इसे दोनों तरफ से एक जैसा सेकें। चटनी और गाजर मूली के लच्छे के साथ परोसे। लीजिए तैयार है चावल का चीला। हमारा पता है अक्षय रसोई, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 आंध्र प्रदेश, और हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाजरीन, वक्त का तकाजा है, अब हमें लेनी होगी आपसे इजाजत। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।